चिकित्सा मंत्री व नरेला विधानसभा विधायक विश्वास सारंग ने अशोक गाजन से एक नंबर प्लेटफॉर्म तक आरसीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन कर कहा कि कांग्रेस के समय विकास में देरी हुई, जिसे हम अब दुरुस्त कर रहे हैं। नर्मदा का जल व अच्छी सड़क नरेला वासियों को मिली है। साथ ही बताया कि अशोक गार्डन क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हेल्थ शिविर में जांच करेंगे और जांच कराने वाले लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। साथ ही मंत्री सारंग ने घोषणा कर कहा कि देश के कई बड़े डॉक्टर्स शिविर में आएंगे और कई तरह की बड़ी जांचें मुफ्त में होंगी। जन किया और हम नरेला विधानसभा में विकास के मामले में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जहां एक और हमने नरेला विधानसभा के एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, तो रोड का भी जाल हमने बिछवाया है। कांग्रेस के समय जरूर हमारे विकास अवरुद्ध हो गए थे, पर अब हमने फिर से प्रोसेस शुरू की है और वो काम शुरू हो गए हैं। नाली के मामले में हमने निश्चित रूप से अच्छा काम किया। नरेला विधानसभा में अब कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। उसके साथ साथ नरेला विधानसभा में हम आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर भी लगाने वाले हैं 3, 4 और 5 दिसंबर को, जिसमें देश भर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स आएंगे और परीक्षण से लेकर जांच से लेकर और दवा तक सभी मुफ्त रहेगा। सर, हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने के लिए आपको लेटर लिखा गया, देखेंगे आप, आने दीजिए लेटर। नहीं भैया, वही पूजन करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चिकित्सा मंत्री व नरेला विधानसभा विधायक विश्वास सारंग ने अशोक गाजन से एक नंबर प्लेटफॉर्म तक आरसीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन कर कहा कि कांग्रेस के समय विकास में देरी हुई, जिसे हम अब दुरुस्त कर रहे हैं। नर्मदा का जल व अच्छी सड़क नरेला वासियों को मिली है। साथ ही बताया कि अशोक गार्डन क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हेल्थ शिविर में जांच करेंगे और जांच कराने वाले लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। साथ ही मंत्री सारंग ने घोषणा कर कहा कि देश के कई बड़े डॉक्टर्स शिविर में आएंगे और कई तरह की बड़ी जांचें मुफ्त में होंगी। जन किया और हम नरेला विधानसभा में विकास के मामले में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जहां एक और हमने नरेला विधानसभा के एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, तो रोड का भी जाल हमने बिछवाया है। कांग्रेस के समय जरूर हमारे विकास अवरुद्ध हो गए थे, पर अब हमने फिर से प्रोसेस शुरू की है और वो काम शुरू हो गए हैं। नाली के मामले में हमने निश्चित रूप से अच्छा काम किया। नरेला विधानसभा में अब कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। उसके साथ साथ नरेला विधानसभा में हम आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर भी लगाने वाले हैं 3, 4 और 5 दिसंबर को, जिसमें देश भर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स आएंगे और परीक्षण से लेकर जांच से लेकर और दवा तक सभी मुफ्त रहेगा। सर, हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने के लिए आपको लेटर लिखा गया, देखेंगे आप, आने दीजिए लेटर। नहीं भैया, वही पूजन करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।